मेरिट VCO 100 ml, मेरिट VCO 250 ml एंड मेरिट VCO 500 ml। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द न्यू लीफ। गाइस, आप सबका स्वागत है। होप आप सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, टुडे वी विल बी रिव्यूइंग मेरिट VCO के एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल। ये सारे एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल है। ये है 100 ml, ये है ये है 250 ml और ये है 500 ml। गाइस, मेरिट VCO के कोकोनट ऑयल एक्स्ट्रा वर्जिन तो होते ही हैं, बट ये बहुत ज़्यादा प्योरेस्ट फॉर्म भी होता है। मैं इनको आई थिंक कुछ महीने से अभी लगा रहा हूँ एंड आई एम रियली फीलिंग वेरी गुड। बहुत ज़्यादा मैं फ़ैन नहीं हूँ कोकोनट ऑयल का, यू नो गाइस, बिकॉज बहुत ज़्यादा एरोमा मुझे पसंद नहीं है, बट व्हेन आई ट्राइड दिस वन, इट रियली वर्कड वेरी वेल। एक तो कोकोनट ऑयल के फ़ायदे बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ज़्यादा ही अच्छे होते हैं, और विंटर्स में कोकोनट ऑयल आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ मेडिसिनल फैक्ट्स जो आपको सबको पता है, बट स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है कोकोनट ऑयल। बट प्लीज रिमेंबर, दो तरह के कोकोनट ऑयल होते हैं, एक होता है रिफाइंड वाला और एक होता है अनरिफाइंड, जिसे हम एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल भी बोलते हैं। सो एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल इज वेरी सेफ टू यूज ऑन टू योर स्किन एंड यू कैन ऑल्सो यूज इट फॉर कुकिंग। कुकिंग वाला एस्पेक्ट्स तो मैं हम बात नहीं करेंगे, बट वी विल टॉक अबाउट द स्किन के लिए क्या क्या अच्छा होता है और इसे आप किस किस तरह से यूज कर सकते हैं ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले। सो गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले कोकोनट ऑयल को मैं ब्रश करने के लिए यूज़ करता हूँ। गाइस, कोकोनट ऑयल में ब्रश को आपको इस तरह से डुबोना है और हाफ कोकोनट ऑयल और हाफ आपका नॉर्मल जो पेस्ट यूज़ करते हैं उसको लेना है। ये कोकोनट ऑयल आपके हार्मफुल बैक्टीरिया को दूर करता है आपके मुंह से और प्लेक को बिल्डअप होने से रोकता है और टूथ डीके और गम डिजीजेस को भी कम करता है। इसे आप रोज़ यूज़ करके देखिए, बहुत ही फ़ायदेमंद होगा ये आपके लिए। तो नेक्स्ट प्रोसेसेस के लिए हमें कोकोनट ऑयल लिक्विड फॉर्म में चाहिए, इसीलिए हम इस पतीले में कोकोनट ऑयल को सॉलिड से लिक्विड कर रहे हैं। सो नेक्स्ट, कोकोनट ऑयल को मैं एक हेड मसाज की तरह यूज़ करता हूँ नहाने से एक घंटा पहले। इसे आप इस तरह से अच्छे से हेड मसाज कर लीजिए, ये आपके फ्रिजी बालों को बहुत अच्छे से ठीक कर देता है। फ्लेकी स्कैल्प अगर है आपका है तो उसमें फ़ायदा देता है, ड्राई स्कैल्प अगर है तो उसमें फ़ायदा देता है। इसको आप करके देखिएगा, इस बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। नहाने से एक घंटा या फिर आधे घंटे पहले मैं फुल बॉडी मसाज करता हूँ कोकोनट ऑयल का। ये मैं प्रेफरेबली संडे को करता हूँ बिकॉज उस टाइम बहुत टाइम रहता है मेरे पास। तो अच्छे से अपने बॉडी को इस तरह से हल्के हाथों से मसाज करिए, इससे आपको जो टायर्डनेस है या फिर सोरनेस है कोई फिजिकल एक्टिविटी से वो दूर होता है। प्लस अगर आपको कहीं इन्फ्लेमेशन है या फिर कोई स्ट्रेच मार्क्स हैं तो रेगुलर यूज़ करने से वो भी बहुत हद तक कम हो जाता है। हल्के हाथों से अब आपको टॉवल ड्राई कर लेना है पूरे बॉडी में ताकि कोई भी पानी ना बचे, बिकॉज पानी अगर रह जाता है तो बाद में वो ड्राई हो जाता है और आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए अच्छे से पोंछने के बाद आपको मेरिट VCO का जो कोकोनट ऑयल हम यूज़ कर रहे हैं उसको लेके पूरे बॉडी पे आपको लगाना है एज ए मॉइस्चराइज़र। ये बहुत हद तक आपको अच्छे से मॉइस्चराइज़ करेगा पूरे बॉडी को, और नहाने के तुरंत बाद अगर आप लगाते हैं तो इसका फ़ायदा क्या है, इससे आपको लॉन्ग लास्टिंग करेगा ये मॉइस्चराइज़र, तो बहुत देर तक आपको ड्राइनेस की फीलिंग आएगा ही नहीं। नेक्स्ट, मैं इसको एज अ फेस मसाजर भी यूज़ करता हूँ। ये मैं संडे को करता हूँ या फिर जिस दिन मेरी छुट्टी रहती है उस दिन करता हूँ, बिकॉज ये आपकी स्किन को थोड़ा ऑयली बनाता है बट इट इज़ वेरी गुड फॉर योर स्किन। मैं कोकोनट ऑयल को एज ए लिप बम भी यूज़ करता हूँ और एक हैंड क्रीम के तरह भी बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, बिकॉज इससे आपको लॉन्ग लास्टिंग मॉइस्चराइज रहता है आपके लिप्स और आपके हाथ। तो गाइस, आपको कैसे लगे ये सारे तरीके जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। अगर आपको कोई क्वेरी है रिगार्डिंग दिस ब्रांड, रिगार्डिंग दिस प्रोडक्ट, रिगार्डिंग कोकोनट ऑयल और रिगार्डिंग एनी स्किन केयर प्रोडक्ट्स, देन प्लीज 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 डू कमेंट। और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।